लेजेंडर तो भाई बहुत ही ज्यादा रफ्तार में जा रही है और गाड़ी का सस्पेंशन, भाई ये क्या हो गया, तगड़ी स्पीड से जा रही है गाइस यहाँ पर। ओ भाई स्पीड काफी क्रेजी है भाई एंडओवर की। एंड तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, बढ़िया सब। तो गाइस आज हम दोबारा चले वाले हैं पर GT5। और गाइस आज हम यहाँ पर अपनी ओल्ड इंडियन कार वर्सेस गाइस न्यू इंडियन कार के बीच में जो है गाइस यहाँ पर स्टेयर जंप चैलेंज करने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो आज का जो अपना स्टेयर जंप चैलेंज है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो है भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी मैंने स्टेयर बना के रखी है, तो जिसके ऊपर से भाई अपनी गाड़ी को चल के जाना है फुल ऑन रफ्तार। एंड उसके बाद जो है भाई अपनी गाड़ी को यहाँ से लेना है जंप और पहुंचना है गाइस इस वाले आइलैंड तक। और जो भी गाड़ी गाइस इस आइलैंड पे पहुंच जाएगी वो विनर होगी, और जो गाड़ी भाई पानी के अंदर गिर जाएगी वो यहाँ पर हारने वाली है। देखते हैं गाइस कौन कौन सी गाड़ी ये चैलेंज कर पाती है। तो ओके गाइस, अपन लोगों ने शुरुआत में जो है सबसे पहली गाड़ी ली है वो है गाइस अपनी न्यू वाली टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2.7G। तो देखते गाइस ये गाड़ी भाई जो है भाई ये चैलेंज कर पाएगी या नहीं। तो ये चली गाइस अपनी इनोवा। एंड भाई साहब इनोवा का सस्पेंशन काफी बढ़िया तरीके से भाई जो है गाड़ी को हेल्प कर रहा है फुल रफ्तार में जाने के लिए। एंड इनोवा तो भाई काफी क्रेजी स्पीड से जा रही है, और अभी देखते हैं भाई क्या ये जो है भाई वहां तक पहुंच पाएगी या फिर पानी में गिरने वाली है। लेट्स सी गाइस क्या होता है। एंड ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, अपनी जो न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा है, ओ यार गाइस वो यहाँ पर भाई पानी के अंदर गिर चुकी है, और ये भाई आज के अपने चैलेंज में हो चुकी है फेल। ओके गाइस, अपनी अगली गाड़ी हमने ली है गाइस ओल्ड वाली इनोवा क्रिस्टा। एंड गाइस देखते हैं भाई ओल्ड इनोवा क्रिस्टा ये चैलेंज कर पाएगी या नहीं। तो ये चली गाइस अपनी ओल्ड इनोवा क्रिस्टा। एंड ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब, गाइस भाई अपनी ओल्ड वाली इनोवा क्रिस्टा तो जो है भाई वो यहाँ पर चल के ही राजी नहीं है भाई, ये चलने को ही तैयार नहीं है भाई ने इस शेयर के ऊपर। और गाड़ी जो है भाई पूरी अलट पलट गई है गाइस। और है भाई ले, ये तो मेरे को लग रहा है भाई चल के कम और लुढ़कते पुड़कते ज़्यादा जाने वाली है। फिलहाल अभी लेके चलते गाइस इसको, एड देखते हैं भाई ये क्या होगा। ओ भाई साहब गाइस, भाई ओल्ड वाली इनोवा क्रिस्टा काफ़ी अजीब तरीके से लाइक यहाँ पर चल के जा रही है, और तुम लोग देख सकते हो भाई ये क्या है, क्या चल क्या रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। अरे भाई साहब, अरे 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 भैया जी, अरे 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 बस 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 भाई ये तो मेरे को लग रहा है ये गाड़ी बोल रही है भाई साहब आप मेरे को छुट्टी दे दे, मुझे माफ़ करें, मेरे बस का नहीं है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगी ये चैलेंज। बट गाइस अपन भी थोड़े डी टाइप के बंदे, हम भी इसको ले जाके तो मानेंगे, भले ही ये गाड़ी पानी में गिरे या फिर ये चैलेंज पास कर जाए वो तो इसकी किस्मत है। फिलहाल अभी हम इसको ट्राई कर रहे हैं। और ओके इनोवा चलने लगी है भाई, थोड़ी थोड़ी चाँपर चल रही है। एंड ये ले भैया जी ले, दोबारा पलट ली भाई ये तो। अरे यार गाइस इसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत ही सीन लग रहा है मेरे को, बट कोई नहीं अब ये दोबारा अपन ट्राई करेंगे। एंड चल इनोवा क्रिस्टा कमॉन तू कर सकती है यार, तू अच्छी गाड़ी है यार, तू अच्छी गाड़ी है और बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है भाई। पर मेरे को तेरे से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी गाइस। भाई देख सकते हो यार अपनी ओल्ड वाली इनोवा क्रिस्टा जो है भाई वो कितनी धीरे धीरे जा रही है, लाइक मतलब मेरे को लग भी नहीं रहा है कि ये गाड़ी पहुँच पाएगी। बट अभी इसको हम जंप तो करा के रहेंगे भाई, हम भी थोड़े ढीठ टाइप के बंदे हैं, करा के तो मानेंगे। एंड अरे 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 भैया ये तो पूरी अलट पलटते हुए आई है गाइस, तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी जो है भाई यहाँ पर कहीं पर भी पहुँचने वाली हो रही है भाई, चढ़ेगी नहीं। तो एक काम कर तू साइड से निकल ले और पानी में जाके मस्त ठंडे ठंडे पानी से नहा ले। एंड बाकी गाइस ये वाली गाड़ी भी आज के अपने चैलेंज में फेल हो चुकी है। ओके गाइस अभी हमने जो अपनी अगली गाड़ी ली है गाइस वो है अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेजेंडर। और गाइस देखते हैं लेजेंडर ये चैलेंज कर पाएगी या नहीं। तो ये चली भाई लेजेंडर। एंड लेजेंडर तो भाई बहुत ही ज्यादा रफ्तार में जा रही है और गाड़ी का सस्पेंशन, भाई ये क्या हो गया, ओ नो गाइस भाई लेजेंडर के साथ तो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है। एंड मेरे को लेजेंडर से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी गाइस यहाँ पर। अरे भाई साहब गाइस भाई ये क्या हो गया यार, तो लेजेंडर अभी इतने रनअप में तो क्या ही जंप मारेगी। तो गाइस यहाँ पर भाई अपनी लेजेंडर के साथ में काफ़ी ज़्यादा गलत सीन हो गया। एंड ये वाली गाड़ी जो है भाई वो आज के अपने चैलेंज में यहाँ पर फेल होती है। ओके गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी न्यू वाली कह रहा हूँ भाई अपनी ओल्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर। और भाई लेजेंडर तो देखो फेल हो गई गाइस, अभी फॉर्च्यूनर का देखते हैं क्या सीन होने वाला है। तो ये चली गाइस अपनी फॉर्च्यूनर यहाँ पर। एंड भाई फॉर्च्यूनर का भी सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, बट यार भाई मेरे को सही में नहीं पता है लेजेंडर के साथ में क्या हुआ था, वो गाड़ी अचानक से भाई स्टेयर पे उछल गई और उसके बाद जो कुछ हुआ तुम लोगों के सामने था गाइस। बट भाई फॉर्च्यूनर ने काफ़ी तगड़ा लाइक यहाँ पर जंप मारा है, अभी देखते हैं कि ये जो है भाई पानी तक पहुँच मतलब पानी के पार पहुँच पाएगी या फिर ये पानी में गिरने वाली है। एंड गाइस यहाँ पर भाई अपनी फॉर्च्यूनर भी जो है भाई वो भी आज के चैलेंज में यार फेल हो चुकी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी न्यू वाली मॉन्स्टर बीस्ट फोर्ड एंडोवर की। और भाई देखते हैं नई वाली फोर्ड एंडोवर का गाइस ये शायद से पहला चैलेंज है, तो देखते हैं ये गाड़ी कैसा चलने वाली है। एंड
ओके स्टार्टिंग में थोड़ा लड़ी थी बट गाइस अपनी जो एंडियोवर है वो तगड़ी स्पीड से जा रही है गाइस यहाँ पर। ओ भाई स्पीड काफी क्रेजी है भाई एंडियोवर की। एंड ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ये एंड टाइम पे क्या हो गया भाई साहब? गाइस भाई ये हो क्या रहा है यार, गाड़ी ज़्यादा स्पीड में जा रही है बट एंड टाइम पे यार गाड़ी उछल जा रही है। और भाई अभी तो इतने स्पीड में मेरे को मतलब इतने लाइक क्या बोलते हैं इतने लंबे रनअप में तो गाड़ी जो है भाई कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। तो गाइस अपनी न्यू वाली फोर्ड एंडोवर यार आज के चैलेंज में यहाँ पर फेल होती है। तो गाइस अपनी नई वाली एंडोवर तो भाई अपने आज के चैलेंज में यहाँ पर फेल हो चुकी है। अभी देखते हैं पुरानी वाली एंडोवर भाई क्या कमाल करने वाली है। फिलहाल मेरे को इस वाली गाड़ी से थोड़ी लाइक उम्मीद है क्योंकि मैं इसको काफी टाइम से चलाते आ रहा हूँ तो मेरे को पता है शायद से ये गाड़ी कर सकती है। तो देखते हैं गाइस एंड यहाँ पर न्यू एंडोवर जो है काफी सही जा रही है, काफी सही। और बीच में डिसबैलेंस भी यहाँ पर हुई थी बट गाड़ी ने अपने आप को कंट्रोल रखा। और गाइस यहाँ पर जो है भाई आई थिंक से अपनी ओल्ड वाली एंडोवर इस गोल्ड निकल के आने वाली है। एंड जी हाँ गाइस भाई अपनी नई वाली एंडोवर ने जो है भाई ये चैलेंज जो है भाई काफी इजीली कर लिया है। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी न्यू वाली टाटा सफारी गाइस। और देखते हैं यार न्यू टाटा सफारी ये चैलेंज कर पाई या नहीं। तो ये चली गाइस न्यू टाटा सफारी यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर जो है भाई नई वाली टाटा सफारी जा तो रही है। एंड गाड़ी का सस्पेंशन भी यार काफ़ी अच्छा है। काफ़ा अच्छा क्या होता है भाई, काफ़ी अच्छा है। और गाड़ी 200 प्लस की स्पीड पर जा चुकी है गाइस। अभी देखते हैं कि क्या ये जो है भाई पानी में गिरेगी या फिर ये आइलैंड पे पहुंच गई भाई आज के चैलेंज में विनर होने वाली है। लेट सी गाइस देखते हैं क्या होता है। और गाइस ये गाड़ी पानी में गिरने वाली है बट नहीं थोड़े से पानी में गिरी थी और गाड़ी जो है गाइस यहाँ पर भाई जिंदा बच चुकी है, आई मीन सर्वाइव कर चुकी है। तो ये गाड़ी भी आज के चैलेंज में पास होती है। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी ओल्ड वाली टाटा सफारी डाइकोर। और गाइस देखते हैं यार ओल्ड इज गोल्ड निकलता है या नहीं। वैसे तो मेरे को लग तो रहा है भाई ओल्ड इज गोल्ड निकल सकता है। देखते हैं गाइस क्या सीन होने वाला है। फिलहाल तो भाई डाइकोर काफ़ी खतरनाक स्पीड में जा रही है एंड गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है बट इसने अपने आप को कंट्रोल में रखा एंड जंप भी काफ़ी सक्सेसफुली ले लिया है भाई इस गाड़ी ने। तो देखते हैं गाइस कि ये कार जो है भाई अपना चैलेंज कर पाएगी या फिर जो है ये आज के चैलेंज में फेल होने वाली है। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई अपनी ओल्ड वाली टाटा सफारी डाइकोर भी ये चैलेंज कर चुकी है। ओके गाइस अभी बारी है गाइस अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन की। और गाइस देखते हैं भाई अपनी नई नवेली जो स्कॉर्पियो एन है वो ये चैलेंज कर पाएगी नहीं। तो ये चली गाइस अपने बिग डैडी एसयूवी यहाँ पर और अभी देखना है गाइस कि ये कर पाएगी या नहीं। एंड फिलहाल तो गाड़ी ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल लगता है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ गाड़ी डिसबैलेंस होना चाह रही है बट गाइस यहाँ पर स्कॉर्पियो का काफ़ी अच्छा सस्पेंशन था जिस वजह से गाड़ी कहीं पर भी उछली नहीं बीच में, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मेरे को लग रहा है इसी बात पे ये वाली गाड़ी जो है भाई अपना आज का चैलेंज कर लेगी। और भाई साहब ये तो सीधे डाइकोर के ऊपर ही आगे लैंड हुई है भाई। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी ओल्ड वाली स्कॉर्पियो S11 और अपनी गैंगस्टर S11 गाइस। तो देखते हैं भाई अपनी गैंगस्टर कार ये चैलेंज को क्या अंजाम दे पाएगी या फिर ये चैलेंज में फेल होने वाली है। फिलहाल तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है। एंड तुम लोग देख सकते हो गाइस गाड़ी का सस्पेंशन काफी तगड़ा है भाई S11 को और स्टेयर तो क्या मस्त उतरते हुए जा रही है। एंड अरे यार गाइस भाई ये क्या हो गया यार, ये एंड टाइम पे यार इसका बम्पर लड़ गया, पता नहीं क्या सीन हुआ जिस वजह से अब मेरे को लग रहा है भाई ये गाड़ी जो है भाई मतलब जीता जिताया चैलेंज लाइक भाई आज का ये चैलेंज भाई अभी क्या ही बोल सकते गाइस हार चुकी है भाई, मतलब लाइक जीता जिताया हुआ चैलेंज हार गई। तो काफी ज्यादा बुरा लगा यार S11 के लिए। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी न्यू वाली मारुति सुजुकी की बैगनोर गाइस। और देखते हैं भाई बैगनोर का क्या सीन होने वाला है। एंड अरे भाई साहब ये तो पहले स्टार्टिंग में लड़ रही है। एंड देखते हैं गाइस क्या सीन होने वाला है। फिलहाल तुम लोग देख सकते हो बैगनोर का सस्पेंशन काफी बढ़िया है भाई, बस जा रही है बैगनोर। और ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई ये उछल चुकी है। एंड गाइस यहाँ पर भाई काफ़ी सही जा रही थी यार वैगनोर बट गाइज अभी मेरे को लगता है ये इतने में तो भाई घंटा जंप नहीं मार पाएगी। तो गाइज अपनी न्यू वाली वैगनोर भी जो है भाई वो आज के चैलेंज में यार फेल हो चुकी है। तो गाइज अपनी अगली गाड़ी है गाइज अपनी ओल्ड वाली वैगनोर। और भाई नई वैगनोर तो यहाँ पर लाइक अपन को मतलब लाइक होता है मज़े दिला के नहीं जा पाई। अभी देखते हैं पुरानी वाली वैगनोर मज़े दिला पाती है नहीं, आई मीन ये चैलेंज पूरा कर पाएगी नहीं। तो भाई पुरानी बैगनोर काफी बढ़िया जा रही है। और अरे 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 भैया जी ये क्या हो गया, हेलो अरे अरे यार गाइस भाई बहुत सही जा रही थी ये वाली गाड़ी बट एंड टाइम पे इसने जो है थोड़ा सा लाइक स्टंटबाजी दिखाने का ट्राई करा था, बैक फ्लिप वगैरह मार के दिखा रही थी। और जिस वजह से गाइस क्या हुआ कि होता है ना भाई हवाबाजी के चक्कर में ये गाड़ी भाई अपना आज का जीता हुआ चैलेंज यहाँ पर हार चुकी है। तो गाइस अभी बात की है गाइस अपने महिंद्रा की बुलेरो नियो की गाइस। और देखते हैं न्यू वाली महिंद्रा की बुलेरो नियो चैलेंज कर पाएगी या नहीं। तो ये चली गाइस अपनी नियो यहाँ पर, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। एंड नियो का सस्पेंशन काफ़ी सही लग रहा है मेरे को
एंड गाड़ी जो है यहाँ पर डिसबैलेंस हो रही है। और भाई साहब, भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, इसका सस्पेंशन कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया, जिस वजह से क्या हुआ कि भाई गाड़ी ने अपना कंट्रोल खो दिया है। एंड गाइस अभी मेरे को नहीं लगता कि भाई अपनी जो न्यू है वो यहाँ पर लाइक ये चैलेंज भाई कर पाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई इसका तो जो है टाइट है फिस हो चुका है। गाइस गाइस अभी बारी है अपनी पुरानी वाली महिंद्रा बुलेरो की गाइस, और देखते हैं भाई अपनी ओल्ड वाली जो देसी बुलेरो है वो ये चैलेंज कर पाएगी नहीं। तो ये चली गाइस अपनी देसी बुलेरो यहाँ पर। एंड भाई मैं भाई शहर वाली जो बुलेरो थी वो तो देखो फेल हो गई, अभी देसी बुलेरो की बारी है और देसी बुलेरो काफी बढ़िया जा रही है गाइस, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है। एंड भाई साहब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है देसी बुलेरो को सस्पेंशन इतना तगड़ा कैसे हो सकता है भाई। वैसे मैं सही बताऊं तो ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए चलने के लिए बनी है, मतलब खास करके, बट गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, भाई देसी बुलेरो काफ़ी अच्छा लाइक सब कुछ बढ़िया था, पर एंड में जो है गाड़ी भाई क्या बोलते हैं पानी में गिर चुकी है और ये आज के चैलेंज में फेल होती है। तो गाइस अभी बारी है अपनी न्यू वाली टाटा नेक्सॉन ईवी की गाइस, और देखते हैं न्यू टाटा नेक्सॉन जो ईवी है वो ये चैलेंज कर पाएगी नहीं। तो ये चली गाइस अपनी टाटा नेक्सॉन, एंड भाई काफ़ी सही जा रही है भाई अपनी ईवी वाली नेक्सॉन, यहाँ पर काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस है। एंड यार भाई ये भी उछल गई गाइस, और भाई फ्रैंकलिन भारी निकल गया भाई, अरे मेरे भैया जी ये क्या होगा बा। एंड गाड़ी का है, अरे भाई साहब ये रही गाइस अपनी टाटा नेक्सॉन। एंड अभी जो है लाइक इतने में तो क्या ही जंप मारेगी, तो मेरे को लग रहा है कि ये गाड़ी भी जो है भाई आज के चैलेंज में यहाँ पर फेल हो चुकी है गाइस। एंड जो गाड़ी है भाई वो यहाँ पर पानी में गिर चुकी है। तो गाइस अभी बारी है यार अपनी ओल्ड वाली टाटा नेक्सॉन की गाइस, और देखते हैं यार, पर मतलब जो नई वाली नेक्सॉन थी गाइस वो तो फेल हो गई है भाई अपने चैलेंज में। अभी न्यू नेक्सॉन मतलब नई न्यू वाली तो फेल हो गई है, अभी पुरानी का देखते हैं क्या सीन होता है। एंड ओल्ड वाली टाटा नेक्सॉन काफ़ी तगड़ी जा रही है गाइस, ओहो भाई क्या ही परफॉर्मेंस है। एंड और गाड़ी भाई पूरी उछल रही है, बट उसके बाद भी इसने अपने आप को क्या ही मस्त कंट्रोल करके रखा। एंड अभी देखना है गाइस कि क्या ये पानी में गिरेगी या फिर ये आइलैंड पे पहुंच के जो है चैलेंज में पास होने वाली है। बट यार गाइस जो गाड़ी है भाई वो पानी में गिरी है और ये भी जो है भाई जीता जीता है चैलेंज, यहाँ पर हार चुकी है। तो गाइस अभी बारी है यार अपनी न्यू वाली मारुति सुजुकी ब्रीजा की गाइस, और देखते हैं न्यू वाली ब्रीजा ये चैलेंज कर पाएगी नहीं। तो ये चली गाइस न्यू ब्रीजा यहाँ पर। एंड भाई न्यू वाली ब्रीजा काफ़ी तगड़ी जा रही है गाइस यहाँ पर, अभी देखना बनता है कि क्या ये चैलेंज में फेल होगी या पास होगी। एंड गाड़ी जो है और यार बहुत अच्छी स्पीड से जा रही थी। एंड ओके बर भाई ये देखो ये जंप का डायरेक्शन ही इसने गलत चूज़ करा है, तो भाई कहाँ ही से पहुँचेगी। बट यार गाइस ये वाली गाड़ी से मेरे को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, बट भाई ये गाड़ी भी जो है सैडली आज के चैलेंज में फेल होती है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट कार है गाइस अपनी मारुति सुजुकी की विटारा ब्रीजा, मतलब अपनी पुरानी वाली ब्रीजा। एंड लेके चलते गाइस अपनी विटारा ब्रीजा को गाइस, और अरे 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 ये तो भैया, अरे ये तो अलग ही डामा डोल हो रही है। अरे अरे व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, हाँ अरे 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 बस 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 बस, अरे भैया बस 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 रुक जाओ, थम जाओ जरा, सीधे चल के जाना है, ऐसे लुढ़कते पुड़कते होने मतलब लुढ़कते पुड़कते वाले और चैलेंज नहीं है। अरे ए भाई ये गाड़ी पागल हुआ क्या थोड़ी सी है, थोड़ी सी ले, अरे अरे रुक जा भैया, अरे 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 भाई अरे अरे क्या हो गया भाई, क्या मिर्गी के दौड़े वौड़े पड़ रहे क्या तेरे को। अरे यार ये क्या है भाई, एक स्टेयर पे मैं सीधी करता हूँ दूसरे पे पलट जाती है, फिर से पलटे की ओके सीधी हो गई। ए भगवान भाई कितना मुश्किल है इसको सीधा करना। एंड चलो भाई अभी गाड़ी जो है भैया काफ़ी बेइज्जती कराने के बाद दोबारा से चलने लगी है। एंड भाई बहुत बढ़िया जा रही है भाई न्यू मतलब विटारा ब्रीजा, बट गाइस यहाँ पर जंप के टाइम पर मेरे को लग रहा है इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी, जिस वजह से यार गाइस ये वाली गाड़ी शायद ही जो है पहुंच पाएगी। एंड जी हाँ गाइस ये गाड़ी भी जो है भाई आज के चैलेंज में फेल होती है। तो गाइस अभी बारी है यार अपनी ऑफ रोडिंग किंग महिंद्रा थार की गाइस, और भाई साहब जो अपनी न्यू वाली थार है गाइस क्या ये चैलेंज कर पाएगी, देखना तो बनता है भाई, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ थार का परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो भाई ये चली गाइस अपनी न्यू वाली थार यहाँ पर, एंड न्यू थार का सस्पेंशन काफ़ी तगड़ा है, गाड़ी ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर रखा है। ओ भाई उछल रही है, बट गाइस भाई गाड़ी ने बहुत ही सही लाइक जो है भाई स्टेयर पे भैया जो है रनअप बनाया है, अभी देखते हैं कि ये जंप जो है प्रॉपर अच्छे से पूरा कर पाएगी नहीं। एंड गाइस मेरे को लग रहा है भाई महिंद्रा थार ने जो है भाई वो
मतलब लाइक इसने जो है भाई चैलेंज कर लिया। तो यार थार के लिए गाइस देखो एक लाइक तो बनता है, बाकी ओल्ड वाली थार का देखते हैं अभी क्या होने वाला है। तो चलो गाइस अभी फटाफट से जो है अपनी ओल्ड वाली थार को भी लेके चलते हैं गाइस, और देखते हैं कि ओल्ड वाली थार जो स्टेयर जंप चैलेंज कर पाएगी या नहीं, क्योंकि भाई स्टेयर काफी बड़ी बड़ी है गाइस यहाँ पर। तो लाइक दिक्कत है आप लोगों ने देख लिया भाई, बहुत सारी गाड़ियों को स्टेयर ने दी है। एंड क्या अपनी ओल्ड वाली थार हो, ओल्ड थार काफी स्टेबल है भाई यहाँ पर, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस। बट मेरे को लग रहा है यार कि जो स्पीड थी ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइक कम सी पड़ गई है, तो काफ़ी मुश्किल चांसेस है इसके पहुंच पाने की। बट गाड़ी पानी में गिरेगी एंड यहां पर भाई पानी में गिरी छपाक और चैलेंज में हो गई है गाइस पास, समझ रहे हो। यहां पर गाड़ी जो थी थोड़े से पानी में गिरी थी और वहाँ से टिप्पा खा के गाड़ी सीधा यहाँ पर आइलैंड पर आ चुकी है, और ये गाड़ी भी आज के चैलेंज में विनर हो चुकी है। तो गाइस तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो आज के अपने इस खतरनाक से बिग स्टेयर जंप चैलेंज में काफ़ी लिमिटेड गाड़ियों ने ही मतलब ये चैलेंज करा है, जैसे कि अपनी दोनों नई वाली और पुरानी थार ने करा है, बाकी अपनी ओल्ड एंड्यूवर ने करा है। मेरे को नई एंड्यूवर से बहुत उम्मीदें थी बट वो फेल हो गई, एंड अपनी न्यू वाली सफारी और पुरानी सफारी ने भी करा है, और गाइस अपने बिग डैडी एसयूवी स्कॉर्पियो ने करा है। एंड उसके अलावा गाइस किसी भी और गाड़ी ने जो है ये चैलेंज यहाँ पर नहीं करा है। एंड बाकी यार गाइस आज की जो वीडियो है वो फिलहाल हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और गाइस अगर तुम लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी और थोड़ी बहुत भी तुम लोगों को यार वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब होती नहीं इतनी सी भी अगर अच्छी लगी हो यार, लाइक कर देना एंड चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।